श्रीनगर के डल झील में क्रूज चलाने की तैयारी। श्रीनगर की दूसरी झीलों में भी चलेंगे क्रूज। योजना पर तेजी से काम कर रहा है केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय। झील में क्रूज चलाने से रोजगार और टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय जहाज रानी बंदरगाह एवं जल राज्य मंत्री शांतन ठाकुर हमारे साथ हैं। इसमें श्रीनगर आए हुए हैं। श्रीनगर के विकास को लेकर के कश्मीर में जो विकास के नए नए मानक हो सकते हैं उसको लेकर के लगातार केंद्रीय मंत्री यहां पर आ रहे हैं। इसी कड़ी में शांतन ठाकुर भी आए हुए हैं। शांतन जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आपका जो मंत्रालय है उस मंत्रालय के तहत आप किस तरह की संभावनाएं यहां पर देखते हैं, चूंकि यहां पर जो बड़ी बड़ी झीलें हैं, टूरिस्ट सैलानी आते हैं, देश विदेश से आते हैं, तो आपका मंत्रालय यहाँ किस तरह के विकास की संभावनाओं पर विचार कर रहा है जिसके लिए आप यहाँ आए हुए हैं? एक्चुअली पोर्ट शिपिंग वाटरवेज का तो यहाँ संबंधित कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि पोर्ट शिपिंग वाटरवेज का कुछ भी अगर यहाँ कर पाए और यहाँ का टूरिज्म का हेल्प हो तो ये हमारे लिए अच्छा लगेगा और यहाँ लोगों के लिए विकास का काम आएगा। तो यहाँ से हमारा जो बात हुआ है हमारे यहाँ का लोकल कार्यकर्ता लोगों से, तो ये बात आया है कि यहाँ जितने सारे लेक्स हैं यहाँ में अगर यहाँ पर अगर क्रूज शिप, छोटा मोटा क्रूज शिप लाया जाएगा तो वो टूरिज्म के लिए बहुत लाभदायक है और यहाँ का यंग जनरेशन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज का बहुत बड़ा एक बात हो सकता है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।